हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम मसाला पूरी चाट बनाने जा रहे हैं बहुत इजी और सिंपल मेथड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 1 प्याज अच्छे से छोटा छोटा कट कर कर डाल लेंगे। ये चाट बहुत जल्दी और बहुत इजी बन जाती है। जब आपका मन कुछ चटपटा खाने को चाहे तो आप ये इजी से बना सकते हैं। देखिए, प्याज थोड़ा सा ये हो चुकी है। अब मैं थोड़ा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 चम्मच। इसे अच्छे से भून लेंगे। दो टमाटर डाल लेंगे छोटे छोटे पीसेस में कट करके। थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बॉईल किए हुए आलू, थोड़ा सा नमक डालकर उन्हें बॉईल कर लिया है, और उसके साथ 1 बड़ी कटोरी उबाले हुए चने, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालकर हमने बॉईल कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम इसे अच्छे से चला लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, अगर चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे पूरी तरह हमें नहीं पकाना है, टमाटर वगैरह वो थोड़ा सा कच्चे ही रखना है, अच्छे से हमें उसे सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए, हमारे मसाले भुन चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। देखिए, अभी रेडी हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि, देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है, भी अच्छे से बॉईल आ जाए। इसमें बस हम पूरियों को डालेंगे। देखिए, अच्छे से पक चुका है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। पानी पूरी की पूरियां है ये, इन्हें क्रश कर कर हम डाल लेंगे। 10 पूरियां मैं इसमें अच्छे से तोड़कर डाल चुकी हूँ। उसे अच्छे से हाई फ्लेम पर हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। देखिए, इसे थोड़ा सा मैंने लूज ही रखा है ताकि हम जब तक डिश आउट कर लेते हैं वो थोड़ा सा घट हो जाएगा। देखिए, 2 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और डिश आउट कर लूंगी। पूरी चाट बनकर तैयार हो चुका है, बहुत मजेदार लग रहा है। देखिए, हमारा मसाला पूरी चाट बनकर तैयार हो चुका है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा दही और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली है। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप भी ऐसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।